वेलकम टू द कोर्स। मेरा नाम है पीर मोहम्मद रफ़ीक और मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एक कोर्स है वाइप के स्टैंडर्ड के नाम से। और इसमें हम क्या डिसाइड करेंगे, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि जी क्या स्टैंडर्ड जो हैं वो वॉइस ओवर आईपी यूज़ करता है, और हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स और कोडेक्स जो है वो वाइप के स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं। वाइप जो है एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसका नाम होता है सिप, और सिप प्रोटोकॉल जो है और वाइप प्रोटोकॉल जो है एक वाइप टेक्नोलॉजी का प्रोटोकॉल है सिप। और सिग्नलिंग के अंदर उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने डिसाइड किए हैं, और ये प्रोटोकॉल और ये स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है सिग्नलिंग का और वाइप टेक्नोलॉजी का वो है H323 वर्जन 2। H323 क्या करता है कि ये पैकेट बेस्ड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन जो है उसका इसको इस्टेब्लिश करता है। पैकेट बेस्ड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि पैकेट से मुराद इसमें आईपी के पैकेट्स हैं, और जो चूँकि सिप जो है एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, तो H323 जो है ये एक वो इनकोडर है या एक वो प्रोटोकॉल है जो सिप के साथ मिलके काम करता है, और इसका काम ये होता है कि मल्टीमीडिया पैकेटिंग बनाना। अच्छा, ये मल्टीमीडिया पैकेटिंग जो है स्पेशली कहाँ पे यूज़ होता है, ये एक नेटवर्क या एक से ज़्यादा नेटवर्क, चाहे वो PSTN नेटवर्क हो, ISDN नेटवर्क हो या IP नेटवर्क हो, उसके ऊपर कॉल को जो है वो ट्रांसमिशन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। रिगार्डलेस के आपका जो है मीडियम वो कौन सा है, IP है, PSTN है या ISDN है, तो कॉल की ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वाइप का टेक्नोलॉजी, उसका नाम H323 वर्जन 2 है। चलते हैं दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ, और दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो है H225.0। ये स्टैंडर्ड जो है या ये प्रोटोकॉल जो है ये क्या करता है, ये कॉल सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है, और ये क्या करता है कि जो आईपी पैकेट्स होते हैं उनकी स्ट्रीम बनाता है मल्टीमीडिया पैकेट्स की। और जिस तरह के पता चल रहा है कि मल्टीमीडिया पैकेट की अगर ये स्ट्रीम बना रहा है तो डेफिनेटली या तो ये वीडियो स्ट्रीम है, क्योंकि वीडियो के सीक्वेंस भी चाहिए होती है, वन बाय वन जो भी सीक्वेंस नंबर है, तो सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए वीडियो को स्ट्रीमिंग की ज़रूरत होती है, सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, ताकि फार एंड के ऊपर जो पैकेट्स पहुँचें वो वन बाय वन करके पहुँचें, ताकि वीडियो की कंटिन्यूटी बरकरार रहे। चलते हैं अगले स्टैंडर्ड की तरफ। अगला स्टैंडर्ड है H225.0NXG। ये स्टैंडर्ड क्या करता है, ये एक सेट ऑफ रूल्स जो है या स्टैंडर्ड जो है इसका काम ये होता है कि गेटकीपर से गेटकीपर और इंटर डोमेन कम्युनिकेशन को लिए ये यूज़ होता है। तो गेटकीपर से गेटकीपर की कम्युनिकेशन क्या होती है, एक गेटकीपर जो है उसका वन साइड जो है वो आईपी नेटवर्क्स के ऊपर होता है, और उसका जो दूसरा साइड है वो या तो ISDN पे होगा या पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर होगा। तो ये गेटकीपर टू गेटकीपर की इंटर डोमेन कम्युनिकेशन जो है, आपस में जो गेटकीपर्स बात करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं H225.0NXG का प्रोटोकॉल। तो चलते हैं अगले प्रोटोकॉल की तरफ और देखते हैं वो क्या करता है। H245 जो प्रोटोकॉल है ये मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एंड टू एंड जो मूविंग मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है, वॉइस है या ग्राफिक्स या वीडियो है, उसके कंट्रोल के पर्पज़ के लिए H245 इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हैं और हम स्टैंडर्ड्स को अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि जी कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, मज़ीद हर एक स्टैंडर्ड की एक डिटेल है, एक RFC है, एक रिसर्च है जो कि बहुत इंतहाई डीप हो जाएगा।
तो ये मालूम करने के लिए कि जी स्टैंडर्ड्स सिर्फ कौन से होते हैं, हम उसकी इंफॉर्मेशन और नो हाउ कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। चलते हैं अगले स्टैंडर्ड की तरफ, और वो है H.450.x। देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो है या ये प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है। ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज देता है मल्टीमीडिया के लिए। और सप्लीमेंट्री सर्विसेज किस तरह दे रहा होता है? सप्लीमेंट्री सर्विसेज या इजाफी सर्विसेज क्या होती हैं? एक जेनरिक फंक्शन होता है, एक नॉर्मल से फंक्शन का प्रोटोकॉल है जो कि एडिशनल सर्विसेज की जो है सपोर्ट करता है। और वो किस तरह करता है ये? कुछ फंक्शंस हैं, मिसाल के तौर के ऊपर ये कुछ फंक्शंस हैं जिसके अंदर एक कॉल ट्रांसफ़र फंक्शन है। कॉल ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो क्या करता है कि एक सेशन जो इनिशिएट होता है वो एक नोड से लेकर सेकंड नोड के ऊपर जाता है, तो उसमें होल्ड एंड ट्रांसफ़र का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। अगर कॉल एक जगह बात करने के बाद मज़ीद दूसरी जगह पे बात करनी है तो वो ट्रांसफ़र का फंक्शन जो होता है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए H.450.x इस्तेमाल होता है। और ऐसा ही फंक्शन एक डायवर्जन का है जिसमें कॉल एक जगह जाके सेकंड जो नोड है वहाँ जाके टर्मिनेट होती है, देन वहाँ पे IVR और या सिस्टम जो है ये पता करता है कि जी अगर कॉल इस नंबर पे आए तो उसको दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र कर देना है। तो डायवर्जन भी एक कॉल ट्रांसफ़र का ही मेथड है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि कॉल पिक होने से पहले ही दूसरे नंबर के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है और कंडीशन देख कर डाइवर्ट होती है, लाइक 2 रिंग 3 रिंग्स या किसी भी कंडीशन अप्लाई जब होती है तो डाइवर्जन पे चली जाती है। इसी तरह जो होल्ड का फंक्शन है वो होल्ड का फंक्शन भी ये करता है कि कॉल को थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई करता है। कॉल पिक होती है लेकिन स्टैंड बाई के ऊपर रहती है और कोई रिसीविंग एंड उसको जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता है। इस तरह कॉल को पार्क करना और पिकअप करना, कॉल पार्क तब होती है जब रिंगिंग शुरू होती है, पिकअप जब होता है जब उसको कॉल को सुनने के लिए कोई अवेलेबल हो जाता है। और कॉल वेटिंग भी जो है वो कॉल होल्ड का एक फंक्शन है। और कॉल वेटिंग क्या करता है कि जब कॉल दूसरी नोड के ऊपर टर्मिनेट होता है तो उसको वेट किया जाता है कि अनटिल उसको लाइक कोई पहले से कोई कॉल चल रही है तो IVR उसको वेट करता है और मैसेज रिप्लाई करता है कि जी कॉल ऑलरेडी जो है वो सुनी जा रही है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो ये भी एक होल्ड का एक फंक्शन है लेकिन इसके अंदर IVR का रिस्पॉन्स शामिल होता है। अच्छा, मैसेज वेटिंग इंडिकेशन भी होता है कि जी इसके अंदर IVR अपना रिस्पॉन्स देता है। और उसको समटाइम हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि कुछ पीरियड के लिए हम मैसेज छोड़ सकते हैं जिसके लिए जो कॉल है वो इंतज़ार की पोजीशन में चली जाती है। अगले प्रोटोकॉल में चलते हैं। अगला प्रोटोकॉल है H.323.nxt। H.323.nxt प्रोटोकॉल क्या करता है? ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है टेक्स्ट स्ट्रीम के लिए। टेक्स्ट स्ट्रीम या डेटा स्ट्रीम क्या होती है कि ये रियल टाइम फैक्सिंग के लिए यूज़ होता है। और फैक्सिंग के लिए होता है कि एक कॉल होता है लेकिन उस कॉल के अंदर वॉइस के बजाय टेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और नेक्स्ट जो नोड है रिसीविंग एंड है उस रिसीविंग एंड के ऊपर एक फैक्स मशीन लगा होता है और जो उस कॉल को रिसीव करता है और उस डेटा को दोबारा से टेक्स्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। अच्छा, इसमें फैक्स H.323.nxt जो है ये रियल टाइम प्रोटोकॉल होता है और ये T38 जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ करता है। T38 प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये बहुत सारे फैक्सेस या फैक्स को रिले करने के लिए यूज़ होता है। रिले का मतलब ये है कि एक गेटवे होता है जो कि आपकी फैक्स कॉल्स को पिक करता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है। ये एक प्रॉक्सी फंक्शन टाइप की चीज़ होती है तो उसके लिए T38 प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगला स्टैंडर्ड देखते हैं H.323.nxe। ये प्रोटोकॉल जो है कॉल कनेक्शन बना रहा होता है लेकिन ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर बना रहा होता है। ये भी सिप कॉल होती है लेकिन ये सिप कॉल जो है कॉल कनेक्शन करती है सिर्फ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर। फैक्सिंग के लिए या एक ब्रॉडकास्ट कॉल के लिए H.323 इस्तेमाल होता है। अगले प्रोटोकॉल पे चलते हैं। अगला प्रोटोकॉल है H.323.nxf।
ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है सिंगल यूज़ डिवाइस के ऊपर, मतलब एक डिवाइस या एक ऑपरेटर्स के ऊपर एक मरतबा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रोटोकॉल देखते हैं T38। जैसे कि हम ऊपर भी देख चुके थे कि ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है फेसिमेल कम्युनिकेशन के लिए। फेसिमेल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये टेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है जिसको बाज़ुकात फैक्स या टेलेक्स वगैरह भी कहा जाता है। अगला प्रोटोकॉल देखते हैं T120 सीरीज़। T120 सीरीज़ क्या होती है? ये डेटा प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होते हैं। मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग से यही पता चल रहा है कि एक कॉल जो है वो बहुत एक से ज़्यादा जगह बहुत सारे नोड्स के ऊपर टर्मिनेट होता है एक ही वक्त में। तो एक कम्युनिकेशन मल्टीपल कम्युनिकेशन पे सुनी जा रही होती है और मल्टीपल कम्युनिकेशन जो है वो एक जगह के ऊपर या बहुत सारी जगहों के ऊपर रिप्लाई की जा रही होती है। वन टू मैनी कनेक्शंस के लिए ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन हुआ है T.120 सीरीज़। इसके बहुत सारे मजीद जैली प्रोटोकॉल भी हैं जो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करते हैं, और इसकी डिटेल्स के लिए हमने अलग से कोर्सेज बनाए हैं। अगर आपको इनकी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से जो कोर्सेज बनाए हुए हैं उनको आप प्लीज़ एक मरतबा देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।